तो गाइस, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े शहर में क्यों ना रह ले, वापस अपने गांव जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कहने का तात्पर्य ये, वाह तात्पर्य, कितना बड़ा वर्ड यूज़ किया ना मैंने, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो कहने का मतलब ये कि आज मैं जा रहा हूँ मेरे होम टाउन, एंड दिस विल बी माई फर्स्ट राइड ऑन माई न्यू बाइक। सो लेट्स गेट रोलिंग। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं अपनी राइड को। तो गाइस, बाइक में पेट्रोल की कमी है, हाईवे जाने से पहले पेट्रोल भरना पड़ेगा। और मेरे चश्मे पे फिर से फॉग जमा हो रहा है, जिसके वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा। पाश्चात्य करो। तो गाइस, पेट्रोल भर लिया, अभी चलते हैं हाईवे पे। सो गाइस, आई एम फाइनली ऑन हाईवे नाउ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये बाइक चलाने का असली मजा हाईवे पे है। पता नहीं कि ऊपर मेरी बैग मुझे बहुत हेवी लग रही है आज, उसमें कुछ ज्यादा भरा भी नहीं है, बस कैमरा है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा होम टाउन महाबलेश्वर के एकदम नजदीक है, तो अगर टाइम मिला तो शायद महाबलेश्वर जाएंगे या फिर पांचगनी, डिपेंड्स ऑन टाइम। अभी तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि एकदम मजा आ रहा है मुझे। अभी बारिश का सीजन है तो आजू बाजू थोड़ी हरियाली भी है, एकदम फ्रेश फ्रेश माहौल लग रहा है मुझे। तो लास्ट टाइम मैं होम टाउन गया था 6 महीने पहले, उसके बाद मैं आज जा रहा हूँ। मुझे एक शादी अटेंड करनी है, और शादी अटेंड करने से पहले मुझे मेरे एक दोस्त को भी मिलना है। और अभी शुरू होने जा रहा है खंबाट की घाट, और ये पहाड़ देखिए आप लोग, कितना हरा भरा और सुंदर लग रहा है, एकदम माइंड ब्लोइंग। अचानक से ठंड बढ़ गई यार। आजू बाजू इतनी सारी ग्रीनरी है इसकी वजह से, बट फ्रेश लग रहा है। और पहले मतलब शायद 6-7 साल पहले ये घाट ऐसा नैरो हुआ करता था, तो अभी इन लोगों ने थोड़ा रास्ता ब्रॉड कर दिया है, तो अभी और भी मजा आता है यहाँ पे बाइक चलाने में। और यहाँ पे होती है घाट की समाप्ति। गाइस, मेरा ये दोस्त मुझे एक सीक्रेट जगह लेके आया है, और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, मतलब सो पीसफुल। और ये देखो, पास में ही विंड मिल्स है बहुत सारी। आने के बाद इतना शांत महसूस होता है ना, कि ऐसा लगता है मतलब सब दुनियादारी छोड़ के यहीं पे बैठ जाए। इतना इतना पीसफुल माहौल है यहाँ पे, सब जगह पे ग्रीनरी है। ये देखो, सभी पूरा सब कुछ ग्रीन 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 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग जगह है, वहाँ पे हम लोग अभी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रैक करना पड़ेगा और मेरे पास टाइम नहीं है, इतना 2-3 घंटे का ट्रैक है। तो मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ कि क्या है वो।
तो ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा पहाड़ महाभारत कालीन है, मतलब महाभारत के ज़माने का है। और उसके टॉप पे एक शिव जी का मंदिर है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आगे फ्यूचर में टाइम मिले मुझे आने वाले कुछ दिनों में, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और अभी यहाँ पे भाई की थोड़ी वीडियोग्राफी होगी, एकदम साउथ का सुपरस्टार। काढ़ काढ़ मग ते काढ़ काढ़ ठेव तिथं हळूहळू। तो अभी हम जहाँ पे थे वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गए पहाड़ पे, और यहाँ से व्यू देखो क्या जबरदस्त व्यू है। और एक चीज़, ये देखो विंडमिल के इतना पास में जिंदगी में कभी नहीं आया था। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है बट बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और हाँ, यहाँ आते टाइम मैंने शूट नहीं किया ऑफ रोडिंग का, थोड़ा ऑफ रोड हुआ था, उसका मैं जाते टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे को कैमरा की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी मेरे। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं और थोड़े वीडियोज़ निकाल रहे हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉलो कर देना। तो गाइज, आज जितना एक्सप्लोर करना था उतना कर लिया, और अभी वो काम करेंगे जो काम करने आए थे, शादी अटेंड करेंगे। बट आई होप कि ये कैमरा मेरे हाथ में देख के कोई मुझे फोटोग्राफर ना समझे। तो अभी फंक्शन वगैरह सब ख़त्म हो गया एंड सब अच्छे से हो गया अभी, और अभी प्लान है गणेश मंदिर जाने का। सो लेट्स सी यू देयर। तो ये जो मंदिर दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये है हमारा महागणपति मंदिर। और नई बाइक ली है तो गणेश जी के दर्शन करना तो बनता ही है। इस मंदिर का अपना अलग से एक इतिहास है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल देना। तो मंदिर तो बंद है लेकिन हम लोग ने बाहर से ही दर्शन कर लिए और बाइक भी बाहर से ही दिखा ली। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और फोटो शूट करेंगे, फिर वापस जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ हमारा घाट दिखता है, ये है हमारी कृष्णा नदी। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर आपको दिख रहा है, ये शिव जी का मंदिर है और ये गणेश जी का मंदिर। तो गाइज, देखो सुनो और समझो, मैं जाने वाला था वापस पुणे बट ये इंसान मेरे को मिल गया और अभी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूज। तो गाइज, प्लान था महाबलेश्वर जाने का बट अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है तो हम महाबलेश्वर नहीं जा रहे, एक सीक्रेट जगह पे जा रहे हैं। तो ये रास्ता जाता है महाबलेश्वर और ये रास्ता जाता है हमारी सीक्रेट जगह पे। और व्यू देखो यहाँ से, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। तो गाइस, महाबलेश्वर जाते टाइम एक घाट वाला सेक्शन आता है, उस घाट में एक लेफ्ट टर्न है जिस पे साइन बोर्ड लगा हुआ है नागेवाड़ी करके। तो अगर आप वो लेफ्ट टर्न लोगे तो आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे,
और एक मिनट, यहाँ से व्यू देखो आप। ये है ना, ये लेक नहीं है, ये नागेवाड़ी डैम है। और व्यू देखो बस आप, एकदम शांत। तो कुछ इस प्रकार चल रहा है हमारा एक्सप्लोरिंग का काम। टेक्निकली इट्स नॉट एक्सप्लोरिंग, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहले, बट बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे मैं, लगभग एक वर्ष अंतराल हो ना रे। हाँ, लगभग 1 साल बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी अभी भाई ने जैकेट पहना है, फोटो वोटो निकालने हैं इसके मेरे भी, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज अभी बज रहे 6:30 और मुझे वापस पुणे भी जाना है, तो ये ट्रिप यहीं पे समाप्त होता है, साथ में ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। तो ये वीडियो अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।